एक झोपड़े से लेके राष्ट्रपति भवन तक, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से लेके दिल्ली के रायसीना हिल्स तक, और 30 सालों के परिश्रम के बाद आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक स्थान पर एक आदिवासी महिला विराजमान है। वैसे अब तक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूरा देश जान चुका है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आकलन करेंगे कि उनका प्रेसिडेंट होना देश के लिए कितना मायने रखता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू संथाल जाति की हैं और संथाल जाति इस देश का तीसरा सबसे बड़ा ट्राइब है। ये वो संथाल जाति है जिसका बिरसा मुंडा से लेकर आज तक एक गौरवान्वित इतिहास रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? सबसे बड़ी चीज है कि इक्वालिटी। एक आदिवासी महिला भी देश के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हो सकती है और इसका मतलब ये है कि उन तमाम इंडिजिनस लोगों का ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू एक महिला है। वैसे तो ये पहली महिला राष्ट्रपति नहीं है, पर एक महिला का उस स्थान पर होना बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित करता है, और सिर्फ प्रेरित ही नहीं करता बल्कि उनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित करता है। अब तक सब जान चुके होंगे कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जीवन ट्रेजेडी से भरा पड़ा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज होती है तो वो हार मान जाते हैं, लेकिन ये एक महिला है जो हार नहीं मानी, वो चलती गई अपने जीवन पे और नतीजा आज आपके सामने। श्रीमती मुर्मू का राष्ट्रपति होना देश के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके लिए बहुत मायने रखता है। अब एक महीने पहले तक बहुत कम ही लोगों को पता था कि उड़ीसा में मयूरभंज नामक एक जिला है, या फिर झारखंड में वो 5 साल तक गवर्नर रही है, और आज मयूरभंज और झारखंड जहां वो 5 साल तक गवर्नर थी वो चर्चा का विषय बन गया है। बहुत लोगों का मानना है कि श्रीमती मुर्मू शांत स्वभाव की है। जी हाँ, वो शांत स्वभाव की है, लेकिन वो कई सारे टफ डिसीजंस भी लेती है। जब झारखंड में वो गवर्नर के तौर पे मौजूद थी तो वो उनकी कोशिश थी कि अपनी जो सरकार है वो बेहतर तरीके से फंक्शन कर सके, और ऐसा भी हुआ कि उन्होंने अपनी ही सरकार की बिल यानी कि विधेयक को वापस भी लौटाई है। श्रीमती मुर्मू ग्रास रूट लेवल की लीडर रही है और उन्होंने अपना 30 साल राजनीति को दिया है और अलग अलग पोस्ट में वो विराजमान रही है, और इसीलिए मेरा मानना है कि वो देश की जो स्थिति है वो बेहतर समझेगी। और एक बात बता दूँ, जब भी वो बोलती है, क्योंकि हमने उन्हें कई बार सुना है जब वो झारखंड की गवर्नर थी, तो उनका लोगों को मोटिवेट करने का तरीका ही कुछ और होता है। कुछ लोगों का, यहाँ तक कि विपक्ष का ये कहना है कि क्योंकि वो एनडीए कैंडिडेट है तो हो सकता है वो राइट विंग आइडियोलॉजी को प्रमोट करे। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि ट्राइबल प्रेसिडेंट तो है, लेकिन क्या वो ट्राइबल और इंडिजिनस लोगों को वैसे रिप्रेजेंट कर पाएगी? तो मैं आपको एक बात बता दूँ, भारत का ये जो पद है एज अ प्रेसिडेंट, ये कोई व्यक्ति विशेष या कोई समुदाय विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ देश का होता है। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि इंडिया में प्रेसिडेंट का जो पद है वो सिर्फ एक टिट्यूलर रोल है, यानी कि सिर्फ नाम मात्र, लेकिन एक प्रेसिडेंट का रोल देश के पॉलिटिकल क्राइसिस में ही समझ में आता है। हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट्स रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और KR नारायणन, ये सारे प्रेसिडेंट्स बहुत इवेंटफुल रहा है इनका दौर, और ये देश के पॉलिटिकल क्राइसिस में बहुत सारे टफ डिसीजंस लेके देश के साथ खड़े रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देश का ये सर्वोच्च पद बहुत ही सेक्युलर रहा है। वी हैव हैड ब्राह्मण प्रेसिडेंट्स, सिख प्रेसिडेंट्स, मुस्लिम प्रेसिडेंट्स, अ दलित प्रेसिडेंट एंड नाउ अ ट्राइबल प्रेसिडेंट, और इस भारत पे मुझे गर्व है।